नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पढ़े लिखे युवाओं को सक्षम योजना के माध्यम से 100 घंटे काम के बदले मेहनताना देने की अपनी तरह की पूरे देश में एक अनूठी योजना लागू करने की हरियाणा से शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे सक्षम युवाओं को अब आगे भी काम पर रखा जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक अलग से प्राधिकरण या विभाग का गठन किया जाए जिसके माध्यम से अलग अलग विभागों की योजनाओं के सर्वे का कार्य सुनिश्चित हो। बैठक में मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जो सक्षम युवा विभागों के लिए सर्वे का काम करेंगे उन्हें नव गठित प्राधिकरण या विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि खुले पानी से कृषि सिंचाई कम से कम हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया गया है और नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को पुनः अस्तित्व में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तालाब विकास प्राधिकरण के वे अन्य विभागों को एक साथ मिलकर 125 महाग्राम योजना वाले गांवों में इन योजना को तुरंत लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों व जिला परिषदों को और सशक्त किया जाएगा और इस जल जीवन मिशन का कार्य उन्हें सौंपा जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।